देंगे। गुणवत्ता में खराबी है क्या है इसकी भी तो जाँच करवाए सर। ऐसे पाँच पाँच दिन के लिए लाइट जाएगी तो जनता क्या करेगी? वो फिर पहली समस्या है, पेयजल आ जाती है। अरे वो तो सर अभी एक हफ्ते पहले लाइन सुधरी सर, जल विभाग जल निगम को थोड़ा सा बोलने, वो ट्यूबवेलों पे जनरेटर भी लगा रहे हैं सर, पानी क्या बोल सर। कॉफी आ रही, दो मिनट कॉफी आ रही। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। हम आज एक जन समस्या को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जनप्रतिनिधि, हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष, हमारे नगर पंचायत के सम्मानित पार्षदगण और यहाँ की प्रबुद्ध जागरूक जनता ललितपुर रोड पर इस समय मौजूद हैं और अभी एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह का काफिला यहाँ पर रोक कर उन्हें नगर एवं क्षेत्र की प्रमुख जन समस्याओं से अवगत कराया गया और उन जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग जनता जनार्दन द्वारा की है। डीएम ने ज्ञापन लेकर उन समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया है। क्या हैं वो समस्याएं और क्या वार्ता डीएम से यहां पर हुई है, ये जानने का हम प्रयास करते हैं और बात करते हैं अपने नगर की चेयरमैन चेयरपर्सन कृष्णा अमर सिंह के साथ। आज डीएम को जो ज्ञापन दिया गया और जो जन समस्याएं हैं, किस संबंध में ज्ञापन रहा और क्या वार्ता हुई? आज जो हमारे नगर की समस्याएं हैं और जनता परेशान है लाइट के लिए और जो टावर में गुणवत्ता नहीं है, पहले भी एक हफ्ते पहले लाइट ख़राब हुई थी, इससे हमारे नगर की और हमारे पेयजल की समस्याएं हैं और हमने उन्हीं से ये ही बोला डीएम साहब से कि इस गुणवत्ता की पहले जांच कराई जाए, जिसने ठेकेदार ने काम किया है उसकी जांच कराएं और अगर ऐसी अभी बरसात नहीं है या ना आधी तूफान है कि लाइट इतनी ख़राब हो रही है और टावर गिर रहे हैं, इसकी हमने उनसे ये ही बोला कि गुणवत्ता में कुछ कमी है, इसकी जांच कराएं और पेयजल के लिए हर जगह ट्यूबवेल पर जनरेटर रखवाए जाएं, जैसे पेयजल की समस्या तो ख़त्म होगी, लाइट की व्यवस्था तो सभी कर लेते हैं पर पानी की व्यवस्था में बहुत दिक्कत आती है, सभी जगह भीड़ भाड़ है, सभी नगर के लोग परेशान हैं। इन समस्याओं की बात हमने डीएम साहब से करी है और उनने आश्वासन दिया है कि लाइट कल तक आ जाएगी या रात में भी आ जाएगी और वे गुणवत्ता पर विचार करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जो जन समस्याएं ये आ रही हैं, हमारा मेहरौनी नगर क्षेत्र वैसे ही काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर इसमें आप किसको दोषी मानती हैं, ये जो विसंगतियाँ आ रही हैं इसमें किसको आप जिम्मेदार मानती हैं? उसमें जिम्मेदार तो वैसे गुणवत्ता के समय उसी टाइम जांच होने थी कि ये काम सही चल रहा है कि नहीं, अब अचानक में जो खराबी आती है उसमें ना प्रशासन को दोष दे सकते हैं, बाकी जो ठेकेदार है उसी समय उसकी जांच होने थी, उसी समय कार्रवाई की जाने थी। अब तो ऐसा है कि आगे प्रशासन एक्शन ले रहा है और आगे मतलब समस्याओं को हल करेगा और उनने यही आश्वासन दिया है कि हम इस पर भरपूर सहयोग करेंगे और जांच करवाएंगे। तो ये हमारी चेयरपर्सन ने जो वार्ता की है डीएम महोदय से और जो समस्याएं नगर की ज्वलंत रखी गई हैं उन पर हमने जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए अपने सहयोगी शैलेंद्र नायक के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।